और बरोज इतवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक कदीम मुल्क है और हिंदुस्तानी तहजीब को दुनिया की कदीम तरीन तहजीब तस्वुर किया जाता है। चीन, फ्रांस और मिस्र की तहजीबों के साथ हिंदुस्तान की तहजीब के साथ साथ हजारों सालों पर मुश्तमिल मुख्तलिफ मराहिल तय करके हम तक पहुंची है। इस तहजीब के नक्श कदम हमें आज भी कई कदीमी नवियत के मकामात की शक्ल में महफूज दिखते हैं। ऐसे ही पुरवकार और कदीमी अहमियत के चंद मकामात में से एक है शुमाली हिंद की रियासत हरियाणा का एक अहम और मशहूर शहर कुरुक्षेत्र। नाज़रीन, आज हम आपको सफरनामे के इस एपिसोड में अपने साथ लिए चलते हैं इसी मारूफ शहर कुरुक्षेत्र की सैर। दिल्ली से लगभग 177 किलोमीटर की दूरी पर वाका कुरुक्षेत्र नेशनल हाईवे 1A का एक अहम पड़ाव है जो एक शहर के रूप में एक वसीओ अरीज इलाके में फैला हुआ है। नाज़रीन, कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र का नाम महाभारत के जमाने के मशहूर हुक्मरान राजा कौरव के नाम पे पड़ा है, जिसने कदीम ज़माने में यहाँ आकर इस इलाके को बसाया था और इसी के नाम पर इस जगह का नाम कुरुक्षेत्र या कौरव का इलाका रखा गया था। हिंद की एक कदीम शोरय आफाक संस्कृत दस्तावेज वामन पुराण के मुताबिक राजा कौरव ने यहाँ पर बह रहे सरस्वती नाम के दरिया के किनारों पर एक शहर को बसाया था, लेकिन अब इस दरिया का कोई नामो निशान भी नहीं। हिंद के कदीम तारीखी हवालों में इस इलाके को कुरुक्षेत्र, धर्मक्षेत्र, उत्तरवेदी और ब्रह्मवेदी वगैरह नाम भी दिए गए हैं। नाज़रीन, कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र का इलाका बहुत ही वसी था और ये सरहन से शुरू होकर मेवात तक फैला हुआ था, जबकि आज ये नाम सिर्फ इसी शहर तक महदूद रह गया है। कुरुक्षेत्र आज मुल्क के जदीद तरीन शहरों में शुमार होता है जो तमाम जदीद सहूलियात से लैस है। यहाँ जिंदगी आज के दौर के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। कुरुक्षेत्र यूं तो आज हर लिहाज से एक मॉडर्न शहर दिखता है, लेकिन ये अपने में माजी के कई खुशगवार नकूश भी अपने सीने में मखसूस रखे हुए हैं। कहा जाता है कि सारे आलम में मशहूर महाभारत की जंग यहीं कुरुक्षेत्र के मकाम पर हुई थी। नेकी और बदी की अलामत ये महाभारत की लड़ाई हजारों साल पहले हिंद के दो ताकतवर खानदानों कौरवों और पांडवों के दरमियान लड़ी गई थी, जिसमें हिंदुस्तान के लगभग तमाम हुक्मरानों ने दोनों में एक तरफ का साथ देकर शिरकत की थी।
इस खूनरेज जंग में हजारों जानें तल्फ हुई थी। उस जमाने की जो सामाजिक स्थिति थी अत्यंत भयानक थी, और उस समाज स्थिति में ऐसी स्थिति आ गई थी कि जैसे द्रौपदी जैसे का वस्त्र हरण उस लोकसभा में उस टाइम हुआ था, कि आज की स्थिति में ऐसा कभी किसी देश में या किसी कंट्री में या किसी गांव में नहीं हुआ होगा। वो द्रौपदी का वस्त्र हरण उस जगह उस लोकसभा में हुआ था, उस संसद में हुआ था। एक घटना एक ऐसी घटी कि वो घटना ने सब दुनिया को हिला कर रख दिया, और इसी वजह से उस द्रौपदी का बदला लेने की वजह से श्री कृष्ण भगवान ने ऐसा ठान लिया कि इस पूरे समाज को अपने को बदलना है, इस सामाजिक स्थिति को बदलना है, इसकी मानसिकता को बदलना है, इस विकृति को बदलना है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को यानी कि पांडव को आगे किया, और दुर्योधन जैसे दुर्जनों को परास्त करके उनसे पराजय प्राप्त करके उनसे उसका हिंसा करके उसको समाप्त करने के बाद ही ये सामाजिक स्थिति नियंत्रण में आ सकेगी, ये श्री कृष्ण महाराज जी ने सोचा। और ये महाभारत का ये जो युद्ध यानी कि 18 अक्षोहिणी यानी कि जैसे कि महाभारत की ये घटना 18 दिन में इतनी घटी कि उस जमाने में 18 दिन में 2 करोड़ लोग यहाँ पर मारे गए। कुरुक्षेत्र का सबसे कदीम मुकाम जो गालिबन इसके वजूद से पहले भी कायम है वो है थानेश्वर या थानेवर, जो भगवान शिव को वक्फ है। ये तीर्थ या जियारत हिंद के कदीम तरीन जियारतों में से एक मानी जाती है। के आदि में ब्रह्मा जी ने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की, आदिलिंग को माना जाता है। महाभारत काल के अंदर पांडवों ने आकर के कृष्ण जी के साथ भगवान का भोजन किया यहाँ पर विजय की प्राप्ति के लिए, क्योंकि जो क्षेत्र है ये स्थानेश्वर क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अधिपति जो हैं भगवान शिव स्थाणु हैं, तो स्थाणु की बिना पूजा किए इनसे वरदान प्राप्त किए तो ये धोना नहीं था उनका भगवान का। माजा पुष्यभूति जो थे हर्षवर्धन के पुरखा राजा, उनकी राजधानी थी श्रीकंठ जनपद था, श्रीकंठ जनपद के वो राजा थे, उन्होंने स्थानवेश्वर को अपनी राजधानी बनाया, तब से ये स्थानवेश्वर राजधानी हुई। मुगल काल में धीरे धीरे वो स्थानवेश्वर का नाम अब अपभ्रंश होकर के स्थानेश्वर पड़ गया, स्थान का ईश्वर, जो स्थान का ईश्वर है वो यहाँ विराजमान है। कहते हैं महाराजा वेन जो थे, महाराजा वेन को कुष्ठ हो गया था, तो हर्षवर्धन उनके पुत्र हुए, उन्होंने राजा पृथु ने उनके शरीर का अभिषेक किया जल से, बिंदुओं से भगवान शिव के जल से अभिषेक किया और उनका शरीर का कुष्ठ रोग दूर हुआ, उनकी मुक्ति प्राप्त हुई। कालांतर में ऋषियों ने मुनियों ने सबने तपस्या की, आराधना की, यहाँ पर भगवान को प्रसन्न किया अपने। इसी प्रकार इस युग के अंदर भी जितने जितने बड़े बड़े योद्धा हुए हैं राजा हुए हैं यहाँ विजय प्राप्ति के लिए यहाँ पर आए। जो और मकामात हमें कुरुक्षेत्र के तारीखी मकाम होने की शहादत फराहम करते हैं उनमें से एक है अभिमन्यु फोर्ट, जो महाभारत के जमाने के एक बहादुर और शुजात पसंद हुक्मरान अभिमन्यु का किला हुआ करता था। हालांकि एक अरसे दराज गुजरने के साथ इस जगह पर ज्यादा निशानात मौजूद नहीं हैं, फिर भी कहीं न कहीं हमें इस किले के वजूद का पता चल ही जाता है। कुरुक्षेत्र में मजहबी नुक्ता निगाह से जो मशहूर मकामात पाए जाते हैं उन सब में से मुतबरक और मकबूल है यहाँ का ब्रह्म सरोवर, जो दरअसल एक कुदरती झील है।
ब्रह्म सरोवर को हिंदू अकायद के मुताबिक बहुत ही मुकद्दस माना जाता है और हिंदू फिरके से ताल्लुक रखने वाले लोगों का ख्याल है कि इस झील में नहाने से सारे गुनाह धुल जाते हैं। सोमवार को आने वाली अमावस यानी सोमा अमावस से और चंद्र और सूरज ग्रहण के वक्त लाखों की तादाद में मुल्क के तमाम हिस्सों से आए हुए जायरीन यहां आकर स्नान और पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई थी, यूनिवर्स बनाया था, तो उस टाइम उनके पास ह्यूमन बींग्स को बनाने की पावर नहीं थी। उस पावर को गेन करने के लिए उन्होंने यज्ञ किया था, जिसमें से एक यहाँ है, एक गया है, पुष्कर है, द्वारका है, पांच जगह यज्ञ किया था उन्होंने, जिसमें से एक ये ब्रह्म सरोवर है, ब्रह्मा जी का यज्ञ कुंड। और यज्ञ कुंड के बीच में सर्वेश्वर महादेव की उन्होंने स्थापना की थी। राजा कुरु, जिनके नाम से कुरुक्षेत्र पड़ा है, जो कौरवों पांडवों के 15 पीढ़ी पहले पूर्वज हुए हैं, उन्होंने उस यज्ञ कुंड को सरोवर में कन्वर्ट कर दिया। कारण ये था कि राजा कुरु को प्रॉब्लम थी कि रात को वो पैरालिटिक हो जाते थे। तो एक दिन वो शिकार कर रहे थे, उस टाइम यहाँ पे सारा जंगल ही था, तो उन्होंने किसी जानवर के ऊपर शिकार तीर छोड़ा तो तीर जानवर को न लग के इस सरोवर की मिट्टी में लग गया। तो उन्होंने उस अपने फिंगर से उस मिट्टी को हटाया और वापस तीर रख लिया। तो वो रात को उनकी फिंगर्स की मूवमेंट हो गई, तो उनकी रानियों ने कहा कि रात को आपकी फिंगर्स की मूवमेंट हुई थी, आपने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे ऐसे वहाँ पर मिट्टी हटाई थी। तो कहा, उन्होंने कहा कि अगर मिट्टी हटाने से ये है तो वहाँ नहाने से क्या होगा? तो उन्होंने इसलिए उस सरोवर यज्ञ कुंड को सरोवर में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे सूर्य ग्रहण का मेला लगता है। सूर्य ग्रहण पे यह कहा जाता है कि जितने भी इंडिया में तीर्थ हैं उन सब का जल इस सरोवर में इकट्ठा हो जाता है। अगर आप यहाँ सूर्य कुंड पे स्नान करते हैं तो जो सूर्य ग्रहण के नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो आपकी बॉडी पे नहीं होते यहाँ नहाने से, और आपको जितने भी तीर्थ हैं उन सब के नहाने का पुण्य लग जाता है। बाकी यहाँ पे पितरों की वो है कि यहाँ के जितने भी कुरुक्षेत्र जो एरिया है 144 स्क्वायर किलोमीटर का, जिसमें 4-5 डिस्ट्रिक्ट जिसमें युद्ध हुआ है, उसके अंदर आपको अपनी अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार वगैरह कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ही उनका हो जाता है, जब आप कुछ भी ना कीजिए उनका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कुरुक्षेत्र इलाके के अहम तरीन मकामात में सरफिरिस्त है ज्योति सरोवर नाम की एक छोटी झील। कहा जाता है कि इसी मकाम पर भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने अर्जुन के अपने रिश्तेदारों के खिलाफ हथियार उठाने से इनकार करने पर उसको गीता जी का ज्ञान दिया था, जो अब हिंदुओं की एक मुकद्दस किताब बन चुकी है। इसी श्रीमद् भगवत गीता के जरिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने हक के लिए जद्दोजहद करने का दर्स दिया था और इंसान को दरपेश जहनी इंतिशार की सबील हकीकत बयानी से समझा दी थी। ज्योति यानी ज्ञान और सर यानी सरोवर, ज्ञान का सरोवर। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश दिया अर्जुन को। ये जो पेड़ देख रहे हैं हम, इस पेड़ के नीचे दिया, ये जो पेड़ है ये 5,500 साल पुराना पेड़ है महाभारत के टाइम का। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण गीता उपदेश दे रहे थे तो इस पेड़ ने सारा उपदेश जो है सुन लिया, तो भगवान श्री कृष्ण ने इसको अमर प्रमाणित कर दिया। जैसे हम देखते हैं कि कोई चीज़ अमर हो जाती है ना, तो वो घटती है ना बढ़ती है,
तो ऐसे ये पेड़ घटता बढ़ता नहीं है, सदा ऐसा ही रहता है। जो इसकी जड़ें नीचे धरती को छूती हैं, वहाँ से एक नया वृक्ष तैयार हो जाता है। ये हमारा 48 कोस का क्षेत्र है रणभूमि। पहले कोस चलते थे, अब किलोमीटर चलते हैं। 48 कोस का क्षेत्र है 156 किलोमीटर, 156 किलोमीटर का एरिया। इधर से पानीपत, इधर से पटियाला, ये हमारा मिडल स्थान है, बीच का स्थान, जहाँ पर विराट रूप का दर्शन दिया और यहीं से जो है लड़ाई की घोषणा की गई। अब किसी को नहीं पता यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश दिया, क्योंकि 5500 साल का मतलब है कि कितनी हमारी पीढ़ियाँ निकल जाती हैं। तो आज से 1250 साल पहले यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी आए, जैसे रास्ते से जा रहे थे, यहाँ पर बैठे गीता का पाठ किया और ध्यान लगाया। पहले के टाइम में क्या था कि दिव्य दृष्टि रहती थी, आंखें बंद करते थे सब दिखाई देता था। अगर हम आज आंखें बंद करेंगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा, पहले में शक्ति थी। तो आदि शंकराचार्य जी यहाँ पर आए, गीता का पाठ किया, ध्यान लगाया और देखा, अरे ये तो वो वृक्ष है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश दिया। तब हम लोगों को मालूम हुआ, जैसे मैंने आपको बताया अपने आगे, तो ऐसी जानकारी मिलती चली गई। इसलिए जैसे एक पेड़ ये है, दो पेड़ ये नीचे, और दो पेड़ जहाँ से हमने एंटर किया है, ये 5 पेड़ पहले के टाइम से हैं। तो यहीं पर आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में आदि शंकराचार्य जी का मंदिर भी बनाया गया है। तो ये सारा ये बैटल फील्ड का मैदान है, लड़ाई का मैदान जो बोलते हैं मेन ज्योति सर। कुरुक्षेत्र के आसपास पाए जाने वाले मजहबी मकामात में से एक और मकाम है बाल गंगा गांव। कदीम हवालों के मुताबिक इस मकाम पर शिवजी की बारियास्ती की एड़ी कटकर गिर गई थी, जिसकी वजह से ये मकाम ताकत का मुंबा या शक्तिपीठ बन गया। कहा जाता है कि जब माता पार्वती अपने बाप दक्ष के हवन कुंड में छलांग लगाकर दम तोड़ बैठी, तो शिवजी वैराग में आकर उसकी लाश इधर उधर अपने कंधे पर उठाकर घूमते थे। तभी विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के मुर्दा जिस्म के टुकड़े किए, जो मुख्तलिफ मकामात पर गिरते रहे। इस तरह जिस्म के हिस्से हिंद के 52 मकामात पर गिर गए, जो शक्ति पीठ कहलाए, और बाण गंगा इन्हीं में से एक गिना जाता है। क्षेत्र में जहां भगवान श्री कृष्ण ने इंसान को खुदाए बरहक को आलाओ बाला मानकर अपना फ़र्ज़ अदा करने की तालीम दी, वहीं आज तालीम और तरबियत का एक बेहद मकबूल मरकज़ बना हुआ है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को हिंदुस्तान की आला और बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में शुमार किया जाता है। इस यूनिवर्सिटी के तहत जहां वैदिक तारीख और साइंस के मजमून पढ़ाए जाते हैं, वहीं इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी व कंप्यूटर साइंस के साथ साथ जदीद दौर के तकाजों के तहत तमाम किस्म के मजामीन पढ़ाए जाते हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 1956 में स्थापित हुई थी और ये शुरू हुई थी एक धार्मिक यूनिवर्सिटी के आधार पर, जिसके एक संस्कृत इसका मेन विषय था।
फिर धीरे धीरे करके ये जब हरियाणा बना उसके बाद में ये एक इस पर डिपार्टमेंट्स ऐड होते रहे और आज इसमें 48 डिपार्टमेंट हैं जो कि पूरा एम्बिट एजुकेशन का कवर करते हैं। इसका जो फाउंडेशन स्टोन जो रखा था वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 में रखा था। ये एक हरियाणा में जब ये सबसे पहले यूनिवर्सिटी बनी थी, इसमें से बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये मदर यूनिवर्सिटी है, वो पहले इसके रीजनल सेंटर बने, उसके बाद में आगे वो अपने फुल फ्लेज यूनिवर्सिटीज़ बनती रही। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अहाते में एक कदीम म्यूजियम है जो धरोहर नाम से जाना जाता है, जिसमें हरियाणवी फन और सकाफत के पुराने रमूज देखने को मिलते हैं। हरियाणा का जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, वो लुप्त होती जा रही है, तो इसको कायम रखने के लिए और ताकि आगे वाली पुश्तों को इसका पता लगता रहे, इसकी वजह से ये धरोहर की स्थापना करी गई थी। इसके अंदर में ये तकरीबन 8 साल पुराना है और इसके धीरे धीरे करके इसमें बढ़ोतरी होती रही है और ये आज एक ऐसा संग्रहालय बन गया है जिसके अंदर में पूरे हरियाणा का और ख़ास करके कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी जानकारी है। हरियाणा का इसका जो संस्कृति है, उसके हथियार हैं, उसके कॉइन्स हैं और उसका जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है वो सारा इसके अंदर में नज़र आता है। इसी तरीके से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से इसकी इसमें इसका बढ़ावा हुआ, जिस तरीके से ये आगे बढ़ी है, उसकी पूरी हमारे जो प्रोमिनेंट एलुमनाई है, हमारे जो प्रोमिनेंट विजिटर्स आए हैं यहाँ पे, सारे इसमें संग्रहालय में उनको दर्शाया गया है। अभी हमने और इसका जो पहले चरण का जो इसका जो शुरू किया था वो चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी के हाथों से हुआ था और अभी ये दूसरा जो चरण हमने 6 मई को शुरू किया था, जिसके अंदर में पूरा जो हरियाणा का जो गांव का जो कल्चर है, किस तरीके से क्या क्या वहाँ पे किस तरीके से लोग रहते थे, किस तरीके से व्यवसाय करते थे, किस तरीके से वहाँ के आर्टिजन्स थे, वो सारा एक स्टॉल्स के हिसाब से दिखाया गया है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, हमें दीजिए इजाज़त, आपसे अगले प्रोग्राम में मिलेंगे हिंदुस्तान के एक बेहतरीन शहर अमृतसर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।